राजनीतिक विवाद के चलते भारत में होने वाले बिम्स्टेक के पहले सैन्य अभ्यास ने नेपाल नाम शामिल होने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिम्स्टेक देशों के सैन्य अभ्यास में नेपाली सेना के शामिल होने को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण से यह फैसला लिया गया। नेपाल के पीएम शर्मा ओली ने राष्ट्रीय रक्षा बल से सैन्य अभ्यास में हिस्सा न लेने की बात कही, जिसके बाद नेपाली सेना ने भारत की पहल पर बनाए गए बिम्स्टेक के पहले सैन्य अभ्यास से कदम पीछे खींच लिए। यह फैसला ऐसे समय में किया गया जब नेपाली सेना का एक दस्ता पुणे रवाना होने वाला था। आपको बता दें कि सोमवार से यहां अभ्यास शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली नेताओं समेत अलग अलग लोगों के द्वारा की गई कड़ी आलोचना के बाद सरकार ने सैन्य अभ्यास को लेकर यह फैसला लिया है। आपको बता दें बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य देशों के तौर पर शामिल हैं। पहले सभी 7 सदस्यों की थल सेनाएं 6 दिवसीय अभ्यास के लिए 30-30 सदस्यों का दस्ता भेजने के लिए राजी हुई थी, लेकिन अब नेपाल ने इस मामले पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।